हाय गाइस, वेलकम बैक टू बॉस। अब वीर सावरकर को एक महीना पूरा होने जा रहा है कल के दिन पर। बहुत बड़ा दिन है। पहले ही मैं बोल देना चाहती हूँ, जितने भी फैंस हैं ऑफ वीर सावरकर ऑफ रणदीप हुड्डा शुड गो फर्स्ट टुमारो, फर्स्ट थिंग अगेन एक बार जाओ फिल्म को सपोर्ट करो। देखो कई लोग इसमें यहाँ पर बोलते हैं कि कोई पर्सनल एजेंडा होगा, ऐसा आप लोगों को बोल रहे हो, रिक्वेस्ट करो, ऐसा क्यों कर रहे हो, कोई पेड प्रमोशन है? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छी कॉन्टेंट की फिल्म जो है, जो ऑलरेडी अब चल रही है और अपने लाइफ टाइम की तरफ जा रही है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, इतना इंकरेज कर रही हूँ लोगों को कि अपना लाइफ टाइम वो फिल्म अच्छे नंबर पर आकर रोक, मतलब अपना पूरा करे। इतना ही सिर्फ मैं चाहती हूँ। अब जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि फिल्म का अब बहुत लंबी, हम लोग ये नहीं सोच रहे, लंबी पारी बची है, पारी लगभग खत्म होने वाली है। तो इस वक्त पर अगर कलेक्शंस में थोड़ा और जम आ जाता है सैटरडे संडे को तो मजा आ जाएगा। तो सिर्फ इतना ही मेरा इसके पीछे उद्देश्य है। लेकिन डे नंबर 29 पर, आज के दिन पर हमको क्या नजर आ रहा है बॉक्स ऑफिस पे, बुक माई शो पे देखने को क्या मिल रहा है? और सैक ने सडनली वो वाली डे वाइज रिपोर्ट जो थी भाई, वो कहाँ है यार, उनको वापस लेकर के आओ। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, जो भी लोग सुन रहे हैं, अगर इस वीडियो को आप तक, ये वीडियो अगर पहुंच रही है, कोशिश करके डेली अपडेट्स हमारे को दो ताकि हम उसको लोगों से शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फिल्म को पहुंचाएं लोगों के पास। तो चलो शुरुआत करते हैं हम अपने डे नंबर 29 के प्रिडिक्शन से कि कहां तक इस फिल्म की कलेक्शन पहुंची होगी। कोई और ऑफिशियल डेटा नहीं बचता, केवल बुक माई शो का सहारा है जहां से हमको फिल्म के बारे में पता चलता रहता है। इतना मैं आपको बता देती हूँ, सुबह ही बताया था, शो काउंट्स में थोड़ा सा रिडक्शन जरूर आया है, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब एक तो प्रॉफिट में ये फिल्म चल रही थी, कोई नुकसान तो होगा नहीं आगे। और दूसरी चीज ये है कि कुछ दो नई फिल्में आज रिलीज हुई हैं तो उनके चलते थोड़ा बहुत डामाडोल मामला रहता ही है। हर बार ऐसा होता है कि स्क्रीन जो है वो कम होती ही होती हैं। बड़ी फिल्में जो चल रही हैं उनसे भी कटी हैं स्क्रीन, इसलिए यहाँ से भी कटी गई हैं। लेकिन बात करूँ मैं अभी इस वक्त पे वीर सावरकर बुक माई शो पे देखने के लिए कि क्या नजर आता है मुझे बुक माई शो पे वीर सावरकर का, तो यार अभी थोड़ा सा आगे पहुंच गई है। मुंबई की बात करूँ, अगर मैं मुंबई में देख रही हूँ तो ये थोड़ा सा आगे पहुंच गई है और कहीं ना कहीं मुझे शोज जो हैं अब काफ़ी कम नजर आ रहे हैं पहले से। कल की बात अगर मैं करती हूँ, कल के दिन पे एक आध दोपहर 12 बजे के शोज हैं जो ऑलरेडी हाउसफुल में जाना स्टार्ट हो चुके हैं, दैट्स अ ग्रेट डील। जैसे पीवीआर आइकॉन इन्फिनिटी अंधेरी वेस्ट, यहाँ पर 12 बजे का शो है, ये हाउसफुल हो चुका है। फिलिंग फास्ट छोड़ दो, हाउसफुल हो चुका है। और शो काउंट्स में यस थोड़ी सी कमी आई है। और अगर हम बात करते हैं आज की, लेकिन आज क्या कुछ चल रहा है, तो आज कुछ शोज हैं जो बचे हुए हैं इनके, इनको देख के ऐसा लगता है आज की जो कलेक्शन है ये कहीं ना कहीं 11 से 12 लाख के आसपास आई होगी। वो भी मैं शायद, हो सकता है ज़्यादा बोल रही हूँ, क्योंकि एकदम से रिडक्शन आया है आज शोज में। सो मे बी 11 से 12 थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन मिनिमम 10 लाख मुझे लगता है आज का कलेक्शन आया होगा। और अभी आने वाले 2 दिनों में, सैटरडे संडे में, मैक्स मैक्स बढ़कर 12 से 15 लाख तक की कलेक्शन आ सकती है। उससे ऊपर मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगी क्योंकि जैसे मैं आपसे कह रही हूँ, अब हम बढ़ रहे हैं लाइफ टाइम की तरफ। मैं एक ऑफिशियल पोस्टर चाहती हूँ देखना जो सैटरडे संडे में किसी भी दिन पर आ जाए, वील बी मोर देन हैप्पी, जिसमें हमारे को वर्ल्ड वाइड नंबर फाइनल पता चले और एटलीस्ट डेली की जो दो तीन, जो कुछ समय बचा है अब, ये डेली की कुछ ना कुछ 2-3 लाइनें हमको पता चल जाए कि इतना कलेक्शन जो है ये हो चुका है, इतना मैं चाहती हूँ। बट आपको क्या लगता है, वीर सावरकर ऑलरेडी इतनी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म होके चुकी है, अब ओटीटी पे इसका क्या होगा और आपको क्या लगता है इसकी डील जो है वो कितने की होगी, कौन से चैनल पे आएगी? मोस्ट प्रॉब्ली जी सिनेमा, जी फाइव पर आने वाली है ओटीटी की अगर बात की जाए, या जी फाइव पर प्रीमियर होगी, किस दिन पर होगी अभी मुझे नहीं आइडिया उसका, लेकिन आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए डेट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट कॉस्ट और फैंक्स।